भजन संहिता अध्याय 88 भजन संहिता अध्याय 88 हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं, और जो घात होकर कब्र में पड़ते हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित है, उनके समान मैं हो गया हूं। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है, तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। तूने मेरे पहचानने वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मैं बंदी हूं और निकल नहीं सकता, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में व तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हे यहोवा, तू मुझको क्यों छोड़ता है? तू अपना मुख मुझसे क्यों छिपा रहा है? मैं बचपन ही से दुखी वरन अधमुआ हूं, तुझसे भय खाते खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूं। तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूं। वह दिन भर जल की नाई मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और बंधुवाय दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचानने वालों को अंधकार में डाल दिया है।